आप समझ रहे हैं? आप ये देखो, ये बात इसको आप इस्तेमाल करो अपनी जिंदगी में। मसलन अल्लाह तआला मदूद, ला शरीक, ला वजूद, लेकिन हर जगह मौजूद। और आपकी जिंदगी में दुख बेशुमार और आपकी जिंदगी में बेशुमार काम, बड़े मुसीबतें, बड़े वाकयात, तो आप कैसे उसके साथ बराबरी करोगे या पहचानोगे? मुझे वो तो एक वसी तर, अजीम तर और बुलंद तर बात है, और आपकी जिंदगी एक महदूद तर जिंदगी है। तो अगर ये महदूद ना पहचाने तो फिर इलम कैसे मिला? इलम तो यही है कि इस महदूद की जिंदगी में ला महदूद की तजारफ हो। अब रमेश जी यही जाओ, आप क्या करना आपने? इसके अंदर आप ये देखो कि घर के अंदर कदम कदम पर, घरेलू जिंदगी में कदम कदम पर आपको दुआ की जरूरत पड़ेगी, कदम कदम पर आपको ब्लॉक डालने का ख्याल आएगा, कदम कदम पर इन बात। मतलब यह है कि इसके अंदर कोई इंसान नहीं है, आप सब गौर करो, जितना अमीर हो, कितना लुत्फदार जिंदगी हो, कोई इंसान ऐसा नहीं जिसको आंसू न दीजिए। तो गोया के वो कैफियत जो सब इंसानों को मिलती है, उसी कैफियत के अंदर वो तकरीब मिलता है। हाल तो बदलता जा रहा है, लेकिन वो कैफियत सबके ऊपर आएगी, जिसे आप आंसू कहते हैं और खुशी जो कहते हैं। यानी कि आप हालात को गिने ना, गिनती ना करें, तो हालात एक कैफियत का नाम है। जैसा बात समझ आ रही है आपको? तो हालात क्या है? एक कैफियत है, एक रास्ता है, एक सफर है, या गम है या खुशी है, या मोहब्बत है या ठंडक है, या अंदर गर्मी है या सोज है, इसी के अंदर उसकी पहचान है कि अपने जज्बों को, अपने विद्वान को, अपने ईकान को, अपने ईमान को इरफान बनाओ। कुछ भी नहीं करना, इसी को इरफान बनाना। जज्बात तुम्हारे अंदर मौजूद है, विद्वान तुम्हारे पास है, शुऊर मौजूद है, जिंदगी मौजूद है, गम सही से मिलेगा, खुशी पास बैठी हुई मिलेगी, छोटा मोटा गरीबी भी होगी हर एक ऊपर, हर एक ऊपर कभी हम महसूस करते हैं बड़ा अमीर है, वो सुना उसके पास आता नहीं आजकल, हमारे पास बड़ी खैरियत है, माशाल्लाह मेरा मकान बन गया जी, मुबारक हो, अच्छे भले जी खैर मुबारक हो, आपको मकान बन गया। कहते हैं कोई ऐसा मान नहीं आया अभी, अब गैर मुबारक हो गई, गरीबी शुरू हो गई ना, मकान बन गया मुबारक हो, अमीरी आ गई ना, कदा सामान नहीं मिला आपको, बड़े गरीबी आ गई, कद पैसे सारा खर्च हो गया, कदा सेहत बड़ी अच्छी हो गई है मुबारक हो, रात को नींद नहीं आती, तो खैर मुबारक, बीमारी शुरू हो गई, बहुत अच्छा जा रहा है जिंदगी, ठीक नहीं समझ आ रही क्या है, अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की, बहुत अच्छा बीवी मिला, कहते मेरी अदा भी है जो बर्दाश्त कर रहा हूँ। मुद्दा ये है कि ये बर्दाश्त करने का नाम है कभी जिंदगी, कभी लुत्फ का नाम जिंदगी है, कभी गम है, कभी खुशी है, कभी सरूर है, कभी करीब है, कभी दूर है, ये सारी सारी चीजें इसी के अंदर अल्लाह का नूर है। और बात में बिल्कुल खोल के वेख मूरख, जिसनु ढूंढना है तैसू दूर नहीं, अलग अखियां खोल के वेख मूरख, जिसनु ढूंढना है तैसी दूर नहीं, शाह रलती बहुत करीब है, तेरा अपना कलब हजूर नहीं, अंजाम चिख वांगू अन्ना आप हो, आफ्ताब का कुछ कसूर नहीं, पर्दा गफलत का पेई हिदायत अल्लाह, ताहे तुद नूं दिसदा नूर नहीं। बात गफलत के पर्दे की है, आप गाफिल होने छोड़ दो तो मैं अगर तो दरख्त में से रोंगे आ जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम दरख्त से आवाज आई, जागने वाला था ना मूसा अलैहिस्सलाम, दरख्त से आवाज आ रही है, तो मैं दोबारा रात हूं, तो आप अगर कहीं जो सुनने वाले तो बनो और बोलने डर मिलेगा, अगर आप सोते हुए भी करना चाहो ना बात कि तेरे फजल के सारे सो रहा हूं, और इस ख्याल से कि तेरे सामने नींद क्या है, जागना क्या है,
तू जब चाहे जो चाहे कर सकता है, इसलिए तू हमारी नींदों को बेदारी में बदल दे, तू मेहरबानी का देख। तो ये अल्लाह की निगाह है, जब चाहे जहां चाहे कर सकता है, इसलिए दुआ करो कि यह बात समझ आना शुरू हो जाए। आपको समझ आना बहुत आसान है। आप ये देखो कि जिन लोगों को समझ आई ना, वो हर पेशे में लोग हैं। साबित क्या हुआ, पेशे भी है, हर हाल में लोग हैं, हाल भी कोई जरूरी नहीं है, और दुनिया के हर इलाके में है, गोया के इलाका भी कोई जरूरी नहीं है, यानी कि जिंदगी के हर हिस्से में है, गोया के हर हिस्सा अल्लाह का ग्रुप हासिल कर सकता है, हर दौर ग्रुप हासिल कर सकता है, और हर शोबा है यहां तो उसके चक्कर हासिल कर सकता है। मकसद यह है कि कुछ ऐसे आप वलीउल्लाह मिलेंगे जो पलवानी करते थे, और वलीउल्लाह थे पलवानी और वलीउल्लाह, और बड़े बड़े ऐसे वाकया दुनिया में जो उनके तानसाज थे और बर्दिश कुछ थी। और कहते हैं कि एक बुजुर्ग का वाकया पहलवान थे, और बड़े बुजुर्ग नाम लेते हैं उनका, तो कुश्ती में मशहूर वलीउल्लाह कैसे बने, उनके बादशाह ने ऐलान कर दिया कि जो हमारे पहलवान को शिकस्त दे देगा हम उसको इतना इनाम दे देंगे 10,000 अशरफ। खैर ऐलान हो गया, कमजोर से आदमी खाड़े में आ गया, उनकी बात की, गरीब हूं, सैयद हूं, तीन बेटियां ब्याहने वाली, और आप पहलवान गिर गए उसको लाने के लिए, मतलब आप गिर गया शिकस्त कर गए, वो पैसे लेके चला गया, ये वलीउल्लाह हो गए में आए कभी शिकस्त में अल्लाह है, कभी पता में अल्लाह है। हम ये कहते हैं अल्लाह तुम्हारे मिजाज के अंदाज की बात है, अब समझ रहे ना, वहां पर हाल नहीं है, हर मिजाज के अंदर, हर हाल के अंदर, हर अंदाज के अंदर, इस शोबे में, उस शोबे में, इस दफ्तर में, उस दफ्तर में, इस वक्त में, उस वक्त में, जिंदगी में, जिंदगी के बाद, मौत किसी की विलायत देती है, किसी की जिंदगी देती है, किसी को गरीबी देती है, किसी को दौलत देती है, हर हाल हर आदमी के। इसलिए ये जितनी कसरत नजर आ रही है, इस कसरत के अंदर आप वादत देखो, अगर आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी तो कहानी बन जाएगी। वादत के हैं ये जलवे नक्शो निगार कसरत, गर सिरे मारफत को पावे शूर तेरा, और गर सिरे मारफत देखो तो इसी वादत के जलवे हर तरफ नजर आएंगे। इस सारी कसरत के अंदर वादत ही वादत है, ये भी उसी का है, ये भी उसी का है। अगर आप जरा बुलंद हो जाओ, गौर करो, तो आपकी जिंदगी इस वक्त जमा और मकान के तस्वर से गुजर रही है। ये जमाना जा रहा है, 1985 का दौर जा रहा है, यही आपका जमाना है ना, मकान ये है कि लाहौर है, सड़कें हैं, आबादियां हैं, नई आबादियां हैं, कच्ची आबादियां हैं, ये आपके मकान आद, और ये आपका जमा मकान, जब भी कभी पाकिस्तान को दोबारा हो गया। पहले की किताब आज भी पहली किताब है, आज भी, और वो है कि ये हर जमाने तक ये चलती जा रही है। और वो आदमी कुरान पाक को याद रखता है जिसको और बेचारे कुछ याद ही को नहीं, अनपढ़ होता है बेचारा, लेकिन ये कुरान पाक ने महफूज फरमाया हुआ था, यानी ये कुरान को अल्लाह ताला ने ऐसे महफूज रखा है कि उसके सीने में भी महफूज है जिसके सीने में और कुछ नहीं महफूज होती। तो ये अल्लाह करीम की शान है, ये हर दौर के लिए चीज आ रही है, चलती जा रही है। तो मैं ये कह रहा था कि हर दौर के लिए अल्लाह करीम ने रखा हुआ है वाक्या, कि जो बयान आज आप सुन रहे हो ये बयान पहले भी होता रहा है, आप समझ आए ना। तो गोया के उस अल्लाह का सामने जमा और मकान कोई हकीकत नहीं है, उसका बयान जो है हर जमाने और हर मकान के लिए है, यानी कि जमाने और मकान से बेनियाज है। जमा और मकान से बेनियाज हो जाए इंसान तो ये लामकान की कैफियत है। तो कह लामकान की कैफियत जो है ये इलाहियात का तकर्रुब है,
क्या कौन सा जमाना जा रहा है कोई पता नहीं, आज दिन कौन सा है कोई पता नहीं, कौन सा साल है क्या पता, आज कभी जिसने किसी को गम हो जाए ना आप 5 दिन खुदा ना खाते किसी का, चले जवान बेटे का बूढ़ा बाप भी मर जाए बूढ़े बेटे के जवान बेटे जिंदे रहे, मैं बोले किसी को कोई अजीज मर जाए, एक दिन जाओ कहता है ये बस गम, दूसरे दिन जाओ वही हालत, तीसरे दिन मैं साल के बजाओ फिर वही हालत, तो कहो कि जिसको गम तेज लगे ना तेज आंच लगे गम की, उसका मौसम बदलता नहीं, एक ही मौसम जारी हो जाता है, इसी तरह जिसको तकरीब इलाही मिल जाए उसका हाँ मौसम नहीं बदलता, एक ही मौसम रह जाता है, यानी कि एक दफा अगर आप हाल से गुजर जाओ अल्लाह के बताए हुए रास्ते के जरिए, तो फिर आपका जितने भी हालात बदलते जाए आपका हाल नहीं बदलेगा, हाल वही रहेगा, और फिर आप साहिब हाल कि आप पर वो एक हाल इतना तारी रहेगा कि हर हाल के अंदर आप पर वही हाल तारी रहेगा, तो ये है आपकी कैफियत, तो गोया के अपने आप को बदलती हुए मौसमों के साथ मुतासर ना करना, आप देखो बदलती हुए रंगों में एक रंग हमेशा रहता है वो है सिबगतुल्लाह अल्लाह का रंग, इसको बोलते हैं अल्लाह का रंग, हर बदलती हुए रंग में एक रंग कायम रहता है, हर चेहरे में एक चेहरा बुनियादी तौर पर कॉमन रहता है दरमियान में कि ये उसका बनाया हुआ चेहरा, उसकी कलम या उसका ब्रश लगा हुआ है, बस जब ये महसूस होगा कि हर चेहरा एक ही चेहरा है तो फिर आपको रंगी नजर आएगी, तो गोया कि इस वसी रंगों में और तजाद में और इस वैरायटी के अंदर जिस दिन आपने यकसानियत ढूंढ ली उस दिन आपको तौहीद समझ आना शुरू होगी कि ये जो काफर है ये भी इंसान है और ये भी अल्लाह का बनाया हुआ इंसान है, ये भी मखलूक है, ये भी वही है, इसके दिल में है सीने के दिल अंदर वही है, इसकी आंखें भी वही है, इसकी आंख के आंसू भी वही है जो मेरी आंख के, फिर आपको बात समझ आती है कि अल्लाह करीम ने किस तरह का इनात बनाई, फिर आप काफर के साथ नेकी करते हो इसके साथ करते हो उसके साथ करते हो, इल्ला ये कि कोई हुकूमती लेवल का हो जिहाद और मुजाहिदों की कहानी, और जब तक ना हो तब तक इंसानी सतह पर आप इंसानों के साथ नेकी करते जा रहे हो, तो फिर जितना इंसानों के साथ नेकी करते जा रहे हो उसको फिर आप खालिक की निस्बत से आप कर रहे हो, तो जहां से आपको मखलूक की बात समझ आएगी, तो सारी वैरायटी के अंदर यकसानियत का देखना जो है ये दावत है, आज की जिंदगी देखो कल आपके पास तकलीफ थी कोई खास किस्म की, आज नहीं है, और मैंने कल भी आपको अल्लाह के करीब देखा आज भी आपको अल्लाह के करीब देखा, हालांकि वो तकलीफ नहीं है कल वाली, मसलन एक आदमी, ये मैंने पहले भी बात बताई, एक आदमी अपने बुजुर्ग के पास गया आगे कहता है कि आप दुआ फरमाओ कि मुझे हज की शहादत नसीब हो, तो बुजुर्ग ने कहा सब लोगों की महफिल में भी दुआ करो कि इसे हज की शहादत न मिले, वो रोने लग गए चीखने लग गए, कहते मैं तो आया था इतना अर्सा हो गया कुरान दादी मेरा नाम नहीं आया, तो फरमाने लगे देखो बात सुनो मैंने 16 हज किए माँ 16 हज किए हुए और तू मेरे 16 हज ले ले तो ये दर्द मुझे दे दे जो तुझे हज का शौक में दर्द है, तो मकसद ये है कि बाद का तो हज जो है वो ठंडा कर देता है इंसान की ख्वाहिश को और हज न करना ही हज से ज्यादा होता है, आप बात समझ रहे ना, जिसे कहते हैं कि साजा घर के अंदर हज है और उसका दीदार जो है क्या मुर्शिद का दीदार है बाहू किस तरह मैंने लख करोड़ा हजा, मकसद ये है कि शौक अगर वहां जाके ठंडा हो जाए तो फिर वहां जाना नहीं चाहिए और अगर शौक वहां जाके तेज हो जाए तो फिर वहां जाना चाहिए, मकसद यह है कि आपको अपने शौक की कहानी है आपके अपने शौक की बात है, अल्लाह जो है हर हाल में अल्लाह है, जहां आपका मन सफा हो गया वही आपको वो मुसफा जात जो है वो मिल गई, जहां आपने अपना आईना तेज कर लिया चमका लिया वही आपने अक्स देख लिया, जहां आपने सीधा कर लिया वही मस्जिद हाजिर, आप आगे बोलते हो कि वो कहना नहीं चाहिए तो ही करनी चाहिए, कहता है हम यानी कि जब भी आवाज मेरे मतलब जब भी मस्ती में सर झुकाया है संगे दर खुद तरफ के आया है, मेरे आप नहीं जा सके
आप यही चुका कर लो। ओ अल्लाह भाई, वो हर जगह है, मैं तो हर जगह नहीं हूं ना, मैं तो किसी जगह हूं किसी जगह नहीं हूं, जहां मैं हूं वो तो वहां आ सकता है। लादा यही सही, हमें सिज्दा करने से काम है, जो वहां नहीं तो यही सही भी, हम तो नहीं आ सकते वहां, तू तो आ सकता है ना, लादा आप यकीन से सिज्दा करो। तो यही है, बड़ी मुश्किल में मतलब ये राज समझ आता है कि मेरा कावा तेरा नक्शे कदम था। तो बात तो इतनी है कि जरा किदत हो जाए फिर आपको बात समझ आती है। शौक की बात है, आप आते हुए ना तेरे करीब हुए जब से अश्कबार हुए, तेरे करीब हुए जब से अश्कबार हुए, हजार बार कहां सद हजार बार हुए, मिला में हम मौज उठे राह का गवार हुए। अरे निकलो तो सही ना अपने हाल से, आपको हर हाल का नजर आएगा, आपका एक शौक नजर आएगा। मैं फिर कंक्लूड ये करता हूं, आप अपने जौक को शरायत में खराब न करना कि ये हो जाए वो हो जाए, कहते ये हाल जाने और वो जाने, हमें इतना पता है कि इस हाल में हमने उसका तकरब लेना है, अगला हाल आएगा तो फिर तकरब लेंगे। दिन है तो दिन का तकरब हम चाहते हैं, रात है तो रात उसके करीब जाते हैं, दर्द है तो दर्द में हम उसके करीब जाना चाहते हैं, खुशी है तो खुशी में करीब जाना चाहते हैं। तो देखिए हर हाल में जो हाल से हम गुजर रहे हैं उसका तकरब चाहिए, क्योंकि यही उसका मंशा है और यही उसने आपको समझाया है और यही उसकी पहचान है। और आपके पास ही वो सारी कैफियात है जिनसे आप पहचान कर सकते हो। कभी आपकी पेशानी साजिद की यानी मस्जिद की तारीफ है और उसकी पहचान है, और कभी आप की आंख जो है ये बिनाई जो है ये मुशाहदे का सबूत है, मुशाहदा हक जो है आपके या बिनाई के जरिए है। कभी आपका दिल जो है वो सबूत है कि लुत्फ जो है वो तकर्रब इलाही का क्या है। कभी आपके अंदर ही सारी कैफियात है, तो गोया कि आपकी इशारा के करीब, तो वैसे उसका हुक्म है कि मैं करीब हूं। तो मुद्दा यह है कि आपके अपने जितने भी अहवाल है इन सिफात और कवा की शक्ल में इन्हीं के अंदर है सारा अल्लाह। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि अल्लाह वजूद में नहीं है, और इस वजूद में उसका तारफ है, और वो कायनात से मावरा और बुलंद है। जिस तरह पानी में चांद का अक्स है लेकिन चांद बार, इसी तरह तुम्हारे अंदर उस जात का अक्स है, जात मावरा, कि ये ना समझ पड़ता कि जात ही अंदर है, बस जात मावरा है और जात बुलंद है, और तुम्हारे पास जात का एक अक्स है, याद है, इसम है, बल्कि इसम का भी अक्स है, और यही आपकी सिफत है कि आप उसमें लुत्फ करो, उसमें इबादत करो, उसमें सदाकत पैदा करो, बस यही आपका तकर्रब है। अपनी पेशानियों में सजदों का शौक तेज करते जाओ बस, और फिर सजदा होते चला जाएगा। इसमें शौक जितना तेज हो गया उतने ही मतलब आपका मस्जिद करीब है, हत्ता के मस्जिद और पेशानी और साजिद एक ही हो, ये एक मकाम होता है जहां साजिद मस्जिद और सजदा एक चीज हो जाती है, जहां जिक्र जाकर और मजकूर एक जैसी हो जाते हैं, जिक्र जाकर और मजकूर जो है वो एक मकाम पे इकट्ठे हो जाते हैं। एक वक्त होता है थोड़ी देर का वक्त होता है बस। बोलो कोई और बात किसी के ध्यान में आई तो साहब। तो बस इसका नतीजा ये है, आप अपने हाल से आज ही अपनी ख्वाहिश निकाल दो, अपनी हालत से ख्वाहिश निकाल दो, अपनी हालत में उसकी ख्वाहिश पैदा कर दो, बस ये मेरी जिंदगी है और मेरी ख्वाहिश इसमें ये है, मेरी जिंदगी वही रहे और ख्वाहिश उसकी पैदा हो जाए, यही जिंदगी शहीद हो गई, बाबरकत हो गई। तो अपनी इसी मौजूदा जिंदगी में इस मौजूदा जिंदगी को उसकी ख्वाहिश बना दो बस, और ये जिंदगी उसकी ख्वाहिश में गुजर जाए और उसके आगे ये जिंदगी बन जाए और उसके नाम पर चलनी शुरू हो जाए, काफी है। ये कब होगा? जब अपनी ख्वाहिश निकाल दोगे, अपनी ख्वाहिश, अपना जौक, अपना टेस्ट, अपना अपनाइयत सारी निकाल दो, ये सब उसी के हो जाए, बस सारा ये बात बन जाती है। इसको जरा इस्तेमाल नहीं किया आपने।